नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली अपनी 3 दिनों की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। ग्यावली का ये भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन को लेकर भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। भारत में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन क्रांति शुरू होने वाली है। देश के तमाम शहरों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज को एयर कंडीशन कंटेनरों में लगातार डिस्पैच किया जा रहा है और ऐसे ही वक्त में आज नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। अव्वल तो ये कि नेपाल के विदेश मंत्री भारत के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें नेपाल के लिए वैक्सीन की खुराक को लेकर वो समझौता कर सकते हैं, तो ग्यावली की इस यात्रा के दौरान सीमा विवाद का मसला भी उठ सकता है। ग्यावली को उम्मीद है कि उन्हें भारत में तैयार कोरोना वायरस वैक्सीन की 1.2 करोड़ डोज की आपूर्ति को लेकर समझौता के लिए हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि नेपाल के पास चीन से ऑफर है कि वह उसकी सिनोवैक वैक्सीन की खुराक ले सकता है, लेकिन नेपाली अधिकारियों का कहना है कि नेपाल सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई लेने के लिए भारत को प्रमुखता दी है। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने पहले ही भारत के वैक्सीन निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने भी बयान दिया था कि कई पड़ोसी मुल्क उनके यहाँ बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ये सब देशों के साथ किया है। सब देशों, दुनिया की देशों, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन जो है सबसे बड़ी है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल के PM KP ओली ने हाल ही में सीमा विवाद को हवा देने की कोशिश की थी। नेपाल ने एक विवादास्पद नक्शा पारित कर भारत के काला पानी, लिपिया धूरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया था। ओली सरकार के इस नए नक्शे और बिहार नेपाल सीमा पर गोलीबारी की हाल की घटनाओं के बाद दोनों देश के संबंधों में काफी तल्खी आ गई थी, लेकिन इन विवादों के बावजूद भारत हमेशा नेपाल के साथ नरमी से पेश आता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।